Hello everybody, good evening, welcome to the session. Welcome to an Academy Sapiens YouTube channel. This is Dr. Pranali Mishra, NEET UG biology educator on an academy. And today we are going to solve full syllabus biology mock. Are you all ready? And agar main audible hu, visible hu, to aap jaldi se mujhe comment box mein bata dijiye, the time live or not. Jaldi se bilkul. Am I live, audible, visible, everything is fine? चलिए ठीक है. ओके, हेलो एवरीबॉडी. तो आज हम बायोलॉजी का फुल सिलेबस मॉक करेंगे. जल्दी जल्दी अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में जाकर अपने फ्रेंड्स को बता दो दैट मैम इज लाइव. तो जल्दी से वो भी सेशन स्टार्ट कर दें विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आर टाइम. वी विल स्टार्ट विद आर सेशन. चलिए, मैक्सिमम बच्चे आ गए हैं, हमारे सेशन को शुरू करते हैं. ओके, तो आज हम बायोलॉजी का फुल सिलेबस मॉक करेंगे. ठीक है, बायोलॉजी फुल सिलेबस मॉक. इसमें हम लोग 90 क्वेश्चंस करेंगे. वी आर गोइंग टू डू 90 क्वेश्चंस ओवर हियर. ठीक है, आपको सेशन के एंड में बताना है कि आपको 90 में से कितने करेक्ट पता है. जब भी आप ये प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आप अन अकेडमी पर एनरोल करते हैं फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो आप ये कोड यूज़ करेंगे डॉक्टर प्रणाली लाइव. इससे आप फ्री क्लासेस को एनरोल कर सकेंगे और जो प्लस ले रहे हैं उनको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा ऑन दी सब्सक्रिप्शन. नीट यूजी और आईआईटी जेई का अगर साथ में जम्बो कॉम्बो ऑफर चाहिए तो इट इज़ एट 60,000 रुपीज़ 2 साल के लिए. दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप लोग प्रिपेयर कर पाए. ठीक है, ये मेरा बैच चल रहा है बेटा, मिशन नीट 22. आप मुझसे जूलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए. वी विल कंप्लीट जूलॉजी फॉर नीट 22. सभी टीचर्स बढ़िया है, सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? शुरू कर दे क्या हम 90 क्वेश्चंस करना? बताएं, शुरू हो, रेडी कर दे, बिल्कुल रेडी हो क्या? हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो, सबके नाम पढ़ लिए मैंने बेटा क्लास में, कौन कौन आया है एक बार यस कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन मेरे बच्चे लाइव है. और मैं आज का सेशन शुरू करती हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. 90 क्वेश्चंस करना है. ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पूरे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और आखिरी में मुझे मार्क्स बताना कि क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आए हैं. ओके, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. 60 मिनट्स से भी कम में 90 क्वेश्चन करने के लिए हो जाओ रेडी. ठीक है, द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर्स आर लोकेटेड. रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर्स जो हैं, ठीक है, कहाँ लोकेटेड होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर्स आर लोकेटेड इन सेरिब्रम, नो. डायनसेफेलॉन, नो. क्रुकुरा सेरिब्राए, नो. इट इज लोकेटेड इन दी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. कहाँ लोकेटेड होते हैं बेटा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में लोकेटेड होते हैं. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. 2 पे आ जाइए. सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट्स. सोडियम पोटेशियम पंप क्या ट्रांसपोर्ट करता है? सोडियम पोटेशियम पंप क्या ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? वेरी गुड. 2K इंटू द न्यूरोन एंड 3Na आउट ऑफ द न्यूरोन. क्या मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर मिल रहे हैं? 3 और 2 का रेशो रहता है. 3 और, बहुत बेटा अच्छे. रहमान, इंद्रेश, डिंपल, बैड बॉय, अपूर्वा, बैड बॉय, शैली, आकांक्षा, अंकिता, अनामिका, नेहा, काजल, मारिया, श्रद्धा, दिव्यानी. हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट बेसोफिल? हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट बेसोफिल? ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि बेसोफिल के लिए कौन कौन से बिल्कुल राइट हैं. दे हैव 2 और 3 लोब्ड न्यूक्लियस, सही बात है. स्मॉलेस्ट ग्रैन्यूलोसाइट, सही बात है. देयर नंबर इज मिनिमम अमंग ऑल दी WBC, सही बात है. दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, नहीं, एंटीबॉडी तो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है ना, बेसोफिल थोड़ी करता है. तो आंसर हो जाएगा सी, बिकॉज डी इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट, जो सीलियरी बॉडी इट सेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड
टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर नोन एज. एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, क्या बोलता है कि जो सीलियरी बॉडी है ना ये कंटिन्यू होती है फॉरवर्ड एक पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए. इसे क्या बोलते हैं पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर को, इट इज़ नोन एज आयरिस. इसे क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं. बहुत बढ़िया कमेंट्स आते हुए. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन की सीक्वेंस बताओ, पहले क्या होता है फिर क्या होता है फिर क्या होता है. पांच स्टेप्स बतानी आप लोगों को. सबसे पहले क्या होता है कि कैल्शियम क्या करता है, बाइंड करता है टू द ट्रोपोनिन. फिर क्या होता है, फिर अनमास्किंग होती है मायोसिन की, मायोसिन बाइंडिंग साइट की एक्टिन मॉलिक्यूल पे. ठीक है, फिर क्या होता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है और स्लाइडिंग और रोटेशन हो जाता है. तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3. ये हमारी करेक्ट सीक्वेंस रहेगी. द पेराइटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग इज 6th. जो पेराइटल प्रेशर होगा ना लंग्स का, नहीं द पेराइटल प्रेशर मतलब पी पेराइटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग. एल्वियोलाई में पीओ टू किससे कैसा होगा, बिल्कुल, तो इट विल बी मोर देन दैट इन द ब्लड. ब्लड से ज़्यादा ऑक्सीजन एल्वियोलाई में रहता है ना. टिश्यू में सीओ टू ज़्यादा रहता है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है. अमीनो एसिड आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटिन. अमीनो एसिड कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब कहाँ होते हैं, एनसीईआरटी में दिया है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब कहाँ होते हैं. हेलो एवरीबडी, हेलो आशीष, आ गए सभी लोग, चलिए. ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं बेटा, ये हो सकता है आप लोग गलत कर दो, कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन है. द आंसर इज 1, सही बताया यार, वेरी गुड. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ऑस्मोलैरिटी इन रीनल कॉर्टेक्सेस. रीनल कॉर्टेक्स में कितनी ऑस्मोलैरिटी मिलती है. कॉर्टेक्स की अलग होती है, मेड्यूला की अलग होती है, कॉर्टेक्स की कम होती है, मेड्यूला की ज़्यादा होती है. कॉर्टेक्स की होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन दैट मेक्स फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. ऑटोगैमस कौन सी कंडीशन है जो फ्लावर को ऑटोगैमस बना देती. ऑटोगैमस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है कि एक ही फ्लावर में जो पोलन है एक ही फ्लावर की स्टेमन पे स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है. एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे. तो ये कौन सी कंडीशन होती है, क्लिस्टोगैमी होती है. इसमें फ्लावर्स क्या रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं, तो पोलन है ना बाहर बाहर नहीं जा पाता, अंदर की अंदर ही लैंडिंग करनी पड़ती है. प्लांट विच प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी. प्लांट जो ऑटोगैमी जीटनोगैमी दोनों को ही प्रिवेंट करता है वो क्या है. ठीक है, प्लांट विच प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी, तो इट इज़ अ डेट पाम. डेट पाम क्या करता है, ऑटोगैमी भी नहीं होने देता, जीटनोगैमी भी नहीं होता, क्योंकि इसमें यूनिसेक्सुअल मतलब है, बाहर दूसरे उसमें ही जाना पड़ता है ना, दूसरे फ्लावर दूसरे प्लांट में ही फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन के लिए जाना पड़ता है. नेक्स्ट, हाउ मैनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फुल्ली मेच्योर मेल गैमिटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये आपका MMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल. इससे क्या करना है, इसमें कितने मियोटिक और कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे अगर आपको फुल्ली मेच्योर मेल गैमिटोफाइट बनाना है. तो द आंसर विल बी, आंसर बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा, 1. एक हो जाएगा तुम्हारा मियोटिक, और फिर उसके बाद दो गैमीट्स बनाते हैं ना, वहाँ डिवाइड होता है, वहाँ पर हो जाएगा माइटोटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन चूज करो, है ना. इनमें लेबलिंग बतानी है आपको बेसिकली कि किसकी लेबलिंग कैसी है. करेक्ट, ये अंदर ये ई क्या है बेटा, ई क्या है ये 12, ये ए क्या है ये जहाँ से अटैच हो रहा है. तो ए जहाँ से अटैच होता है इट इज़ दी हाइलम. बी हो जाएगा तुम्हारा माइक्रोपाइल. ये हो जाएगा तुम्हारा एम्ब्रियो सैक. तो इसके अकॉर्डिंग द आंसर विल बी द 3rd. द पोजिशन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल
एंड कॉटिलिडन इज कॉल्ड। प्लूम्यूल और कॉटिलिडन के जो पोजीशन है एम्ब्रियोनल एक्सिस की, प्लूम्यूल और कॉटिलिडन के बीच की, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे एपिकोटाइल बोलेंगे। दैट विल बी नोन एज एपिकोटाइल। द पोजिशन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। स्पेशलाइज्ड सेल्स जो मियोसिस, जिनका मियोसिस होता है और गैमीट बनते हैं, वो सेल कौन से होते हैं? वो सेल कौन से होते हैं जिनके का मियोसिस होता है और वो गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं? ओके, सो दीज सेल्स आर नोन एज मियोसाइट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज गैमीट मदर सेल। ये होते हैं टू एन, इनके अंदर मियोसिस हो गया। ठीक है, तो एन मतलब हैप्लोइड क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। शर्द ग्रीन इज, शैग्रीन इज, व्हाट इज शैग्रीन? थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन है 15। शैग्रीन क्या होती है? ये सुना है क्या कहीं आपने? इट इज नोन एज फिश स्किन। फिश की स्किन को शैग्रीन बोला जाता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा आंसर कर रहे हो, पढ़ रही हो कमेंट, नाइस। नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हेन लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ, जब कंपाउंड लीफ की लीफलेट्स आर अटैच टू द कॉमन पॉइंट, ठीक है, इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? एंड दिस टाइप ऑफ लीफ इज प्रेजेंट इन, जब लीफलेट्स होती है कंपाउंड लीव्स की, दे आर अटैच टू द कॉमन पॉइंट एज डैश, और किस में प्रेजेंट होती है ये? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पामेटली कंपाउंड होती है। इसका एग्जाम्पल होगा सिल्क कॉटन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट लगा देना चाहिए ऐसे में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। कॉलम वन है, कॉलम टू है, आपको मैच करना है। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी के भी आते हैं एग्जाम में, तो हमें उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जो बनाना होता है इट इज अ व्हाट? बेरी। बेरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, फिर उसके बाद जो लीची हो जाएगा दैट इज व्हाट? नट। ग्राउंड नट क्या हो जाएगा? लोमेंटम। फिर कुकुरबिटा क्या हो जाएगा तुम्हारा? बताओ इसका क्या आंसर होगा बेटा? 17th का, 17th का क्या आंसर होगा? इट इज गोइंग टू बी बी। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसको लीव कर दो, इसका प्लस वो ले लो, इसका +4 ले लो, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट, इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डॉर्सी वेंट्रल एंड आइसोबाइलेटरल लीफ, इन दी वेस्कुलर बंडल प्रोटोजाइलम एंड प्रोटोफ्लोएम रिस्पेक्टिवली आर सिचुएटेड टूवर्ड्स। मतलब प्रोटोजाइलम कहाँ होती है और प्रोटोफाइलम कहाँ होती है, आप लोगों को ये बताना है। प्रोटोजाइलम कहाँ होती है, और बोनस हो गया वो वाला। ठीक है, हाँ बता दो बेटा। 18th का प्रोटोजाइलम होती है एडाक्शियल पे, और प्रोटोफ्लोएम होती है अबैक्शियल पे। ठीक है, नेक्स्ट, वैस्कुलर बंडल्स एन सर्कल्ड बाय स्क्लेरेन्काइमा आर फाउंड इन, ऐसे वैस्कुलर बंडल्स कहाँ मिलते हैं? वेयर आर सच वैस्कुलर बंडल्स फाउंड? सच वैस्कुलर बंडल्स विल बी फाउंड इन दी मोनोकॉट स्टेम। कहाँ मिलेगा बेटा? मोनोकॉट स्टेम में मिलेगा। ठीक है, 19th पे आ जाओ, 19th पे। नेक्स्ट, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट मैच, आप लोगों को गलत मैच बताना है। विच इज दी रॉन्ग मैच, इनमें से रॉन्ग कौन सा है? लिलीशिया ट्राइमेरिस होता है, सोलनाशिया पेंटामेरिस होता है, फेबेशिया पेंटामेरिस होता है। सोलनाशिया थोड़ी टेट्रा होता है, सोलनेशिया इज नॉट टेट्रामेरस। ठीक है, तो सोलनेशिया क्या होता है ये कौन बताएगा? सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? वेरी गुड। ठीक है, सोलनेशिया बेटा पेंटामेरस होता है, रिमेम्बर दिस, इट इज पेंटामेरस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन प्लांट जैसे फर्न, कॉनिफर्स, जिनेटल्स, साइकड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम, ये कैसे इवॉल्व हुए? इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, कैसे हुए हैं बेटा? वेरी गुड, इट इज फ्रॉम दी सीलोफाइटॉन। वेरी गुड रचना, बैड बॉय, अपूर्व, आशीष, रिया, श्रद्धा, पियाली, स्नेहा, नेहा, प्रतिभा, मनीषा, दीपक, अफरीदी, रहमान, साक्षी, डिम्पल, सीमा,
राही, मारिया, दिव्यानी, सुंदरम, दीपक, शेख. वेरी गुड. नेक्स्ट, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन. द आंसर इज क्वाला एंड वॉम वॉम कैट वॉम बैट. दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ओके, हाउ मैनी फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बींग. इनमें से कौन कौन सा जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेस्टिजियल, मतलब आज हमारी बॉडी में यूज नहीं होता है, बता सकता है क्या कोई कौन सा? ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नहीं होता, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूबॉर्न ये नहीं होता. ठीक है, सीकम में यूज होता है, कॉप के है ना, सीकम यूज होगा, पटेला यूज होगा, दैट मीन्स सिक्स सिक्स हो जाएंगे. 24. स्टेनले मिलर ने, यूरेन मिलर ने ये एक्सपेरिमेंट करा. ए और बी, ए है ये वाला बेटा, दिस इज द ए लेबलिंग, दिस इज द बी लेबलिंग एंड दिस इज द सी लेबलिंग. यू विल हैव टू टेल मी, आपको मेरे को बताना है कि ए बी सी की लेबलिंग कौन सी है, कौन सा क्या है इसमें से, कौन सी लेबलिंग क्या है. दिख रहा है अच्छे से? 24. ठीक है, वेरी गुड. तो ए, ये तो आपका हो गया वैक्यूम पंप, पूरा ऑक्सीजन हटाने के लिए वैक्यूम पंप. बी यहाँ पे हो जाएगा गैसेस में CH4. ठीक है, और सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमीनो एसिड्स बनने लगेंगे है ना, यहाँ पे अमीनो एसिड्स वगैरह बनने लगेंगे. कैरेक्टर विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन द ह्यूमन एवोल्यूशन. ह्यूमन एवोल्यूशन में सबसे सिग्निफिकेंटली कौन सी चीज चेंज हुई है. ठीक है, 23 वाला चेक करूँ मैं, लेट मी चेक बेटा, लेट लेट मी चेक, आई चेक इट आउट. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. हाँ, न्यूबॉर्न बेबी की टेल भी वेस्टिजियल है. न्यूबॉर्न बेबी की टेल इज वेस्टिजियल, पटेला वेस्टिजियल नहीं है ना, वो तो हम यूज कर रहे हैं. इंक्रीमेंट इन दी क्रेनियल कैपेसिटी. क्रेनियल कैपेसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. ये मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज है इन दी ह्यूमन एवोल्यूशन. डैश इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाई द नेचर. आप ऐसा क्या करेंगे, अडेप्ट करेंगे और नेचर आपको सिलेक्ट करेगा. ठीक है, 26. बताओ बेटा इसको क्या बोलते हैं कि आप अडेप्ट करके सिलेक्ट हो जाए. बेटा प्लस का सब्सक्रिप्शन जो लेने की बात कर रहे हो, ये वाला कोड यूज करोगे तो इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा. आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आता है, जितने भी मंथ का आपको लेना है आप सिलेक्ट करो एंड ये कोड एंटर कर दो. ठीक है, फॉर 10% ऑफ. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में कौन कौन सा करेक्ट है, विच स्टेटमेंट इज राइट. बिल्कुल सही है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी. सही बात है, जब आप किसी चीज़ को एक्वायर करते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को एक्वायर करते हैं कि इसको कैसे मारना है, ये तुमने सीखा, तो इट इज़ स्पेसिफिक. ऑन सेकेंड एक्सपोजर ऑफ एंटीजन दिस इम्यूनिटी शोज एनामनिस्टिक रिस्पॉन्स. इस रिस्पॉन्स को सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं. एक बार एंटीजन आया तो दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्स. ठीक है, ये थोड़ा सा कम होता है. सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है दैट इज ज्यादा है ना, ज्यादा इंटेंसिटी का होगा, उसको एनामिनिस्टिक बोलते हैं. टी एंड बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सही, सेल्फ और नॉन सेल्फ भी. तो 27 का हो जाएगा आपका. 4. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. आपको बताना है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है. तो इट इज दी बोन मैरो एंड दी थाइमस विच इज दी प्राइमरी. ये प्राइमरी है, बाकी इधर उधर सेकेंडरी आ रहे हैं ये. ऑल दी करेक्ट फॉर IgM. एक एंटीबॉडी होती है बेटा, इस एंटीबॉडी का नाम है IgM. इसके लिए सब करेक्ट है, एक चीज रॉन्ग है. तो दिस इज आउट ऑफ NCERT अगेन. तो प्लीज इसको +4 ले लो आप लोग. पर मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देती हूँ, ये पेंटामेरिक होती है.
पहले एक्सपोजर ऑफ एंटीजन में होती है, इंट्रावेस्कुलर होती है, इट इज नॉट दी फर्स्ट अपियर्ड एंटीबॉडी। ठीक है, इसको आप वो ले लो, +4 ले लो, नहीं तो आपके मार्क्स कम आएंगे, तो आपको ऐसा ना लगे कि हमें नहीं आता है। ठीक है, इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, बहुत ज्यादा ही आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, लेकिन पहली अपियर्ड एंटीबॉडी कौन सी होती है बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, ये क्वेश्चन गलत है, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, लीव दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ दो। मैच दी कॉलम करेक्टली, मैच कर दो कॉलम्स को आप। नेचुरल किलर कौन होता है? ठीक है, नेचुरल किलर सेल क्या होते हैं? और मैच करो आप, 30 वाला मैच करो जल्दी से और बताओ। 30 वाला मैच करो, मोनोसाइट क्या होते हैं? मैक्सिमम पेराटोप किसका होता है? और कोलोस्टम एंटीबॉडी में क्या होता है? तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2। नेचुरल किलर नॉन फेगोसाइटिक, पर मोनोसाइट तो फेगोसाइटिक, पैराटोप होंगे इसमें, और ये हो जाएगी आईजीए। कितने ऑर्गन्स आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? इसमें से कितने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं? ठीक है, कौन से होंगे बेटा? आपको क्या बताना है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बताना है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बताना है, जल्दी से बता दो। ठीक है, तो बोन मैरो और थाइमस तुम्हारा हो जाएगा प्राइमरी, 1, 2, 3, 4, तो ये तुम्हारे हो जाएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, चलिए मैच द फॉलोइंग, मैच करो 31। हाँ, लिम्फ नोड टॉन्सिल्स है ना, 31। उसके बाद आ जाओ 32 पे, फिर से मैच करने की बात कर रहे हैं, मैच करते हैं जरा। फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सीलेस। ठीक है, SCID किसकी कमी से होता है? इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ADA, एडिनोसिन डी अमीनेस। ठीक है, फिर उसके बाद एल्बिनिज्म किससे होगा? एल्बिनिज्म किससे होगा बताइए, 32। वेरी गुड, तो इट इज टायरोसिनेज और होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज। एलर्जी, ठीक है, एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी होती है बता दो। एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgE। केमिकल कौन सा रिलीज होता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन। सिम्टम क्या होते हैं इसकी? आंखों में से पानी आने लग जाता है, रेडनेस होने लग जाती है, स्नीजिंग होने लग जाती है। ट्रीटमेंट क्या है? एड्रीनलीन दे दो, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 33 का। रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गई यहाँ पे। IgE, हिस्टामिन। सिम्टम्स तुम्हारे होते हैं वॉटरी आईज, रनिंग नोज, लेकिन एड्रीनलिन थोड़ी देते हैं ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट में तो स्टीरॉइड्स देते हैं ना। तो 33 का आंसर हो जाएगा 4, द आंसर विल बी 4th। हियर इज द पाथ ऑफ द स्पर्म, स्पर्म कैसे ट्रेवल करता है, स्पर्म कहाँ से कहाँ जाता है, स्पर्म कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, देखो इसको याद करने का तरीका है रीड, है ना, इसको याद करने का तरीका है रीड। पहले रेटेड टेस्टिस में जाएगा, फिर वासा रेटेड टेस्टिस, वासा इफरेंशिया का ई, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमिस में जाएगा, ई फॉर एपिडिडाइमिस और डी फॉर डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और वेजाइना। तो 34 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2, याद कर लो इसको रीड की मदद से। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सी पेयर है इसमें से करेक्ट नहीं है? 35, कौन सी करेक्ट नहीं है बेटा? मेमरी ग्लैंड इज ओनली फाउंड इन द फीमेल? नो, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द मेल, पर मेल में नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल है तो क्या हुआ, मिलती तो है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या आप लोगों को आंसर्स बन रहे हैं सारे? ठीक है, आंसर्स बन रहे, वेरी गुड, कीप ऑन सॉल्विंग बेटा, कीप ऑन सॉल्विंग इट वेरी नाइसली। व्हाट रिजल्ट्स मेंडल वुड हैव गॉट व्हेन ही सेल्फ पॉलिनेटेड अ टॉल F2 प्लांट? टॉल F2 प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया बताइए।
36, तो क्या ऑब्टेन होगा? तो ये क्वेश्चन इन्होंने अच्छे से पूछा नहीं है। देखो, अगर क्या होगा कि अगर ये सेल्फ पॉलिनेट करेगा इसको, ये एफ टू में एक टॉल ऐसा होगा, तो क्या होगा, सारे टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। पर ये ऐसे वाले टॉल को सेल्फ पॉलिनेट करता है तो 3:1 रेशो आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3, है ना। एफ टू जनरेशन में ये वाला टॉल भी रहता है, ये वाला टॉल भी रहता है, इसको सेल्फ पॉलिनेट करोगे तो ऑल टॉल, और इसको सेल्फ पॉलिनेट करोगे तो इट विल बी 3:1 रेशो। साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एम आर एन ए ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए मॉलिक्यूल इज डन बाय इनिबिटिंग विच प्रोसेस, किस प्रोसेस को इनिबिट करने से होता है। 37, कैन वी गेट आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, कैन वी गेट आंसर्स बेटा। ओके, तो ट्रांसलेशन, जो साइलेंसिंग होगी स्पेसिफिक एम आर एन ए की, ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए से होगी, इससे ट्रांसलेशन इनिबिट हो जाता है। करेक्ट मैच बता दो। तो ये वाला आंसर मैं आपको बताऊंगी, ये वाला आंसर आप लोग +4 ले लो, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये और ये, स्किन कलर 3 जीन कंट्रोल करते हैं ABC, और इसका रेशो आता है ये, और ह्यूमन हाइट 5 जीन करते हैं और 11 कैटेगरीज ऑफ हाइट होती है। इसको +4 ले सकते हो आप लोग, बिकॉज इट वॉज वेरी मच आउट ऑफ NCERT। नेक्स्ट, जीन ए एंड बी, जीन ए है और जीन बी है, 40 का डिस्टेंस है इनके बीच में ऑन दी सेम क्रोमोजोम, तो डायहाइब्रिड क्या प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ए और ये छोटा बी है, सॉरी बेटा, ये कैपिटल ए है एंड दिस इज स्मॉल बी, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा इसका डायहाइब्रिड, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या होगा, इधर ए होगा और इधर बी होगा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ज़्यादा ए बी गैमीट्स होंगे एज कम्पेयर टू ए बी गैमीट्स, ठीक है, क्योंकि तो 40 ही दूर है ये, और ज़्यादा दूर हो जाएंगे ना। नाउ डेज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन, कल की क्लास में भी ये आया था, रूटीनली यूज कौन सी हो रही है HIV के लिए बता दीजिए। हाँ, पेरेंटल ज्यादा होगा बेटा, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 40, HIV के लिए कौन सी यूज होती है बहुत ज्यादा, जल्दी बताओ बेटा। नाइस बेटा, वेरी गुड, है ना, रूटीनली कौन सी होगी HIV के लिए। थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो आप, सोच लो। एलाइजा भी यूज होता है, PCR भी यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है, बायो फोर्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। बायो फोर्टिफिकेशन मतलब जो लिविंग प्लांट्स है ना, उन लिविंग प्लांट्स में जो खा रहे हम क्रॉप, इनमें न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कर लो, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दो, जिसके वजह से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे। तो ये इसमें क्या नहीं होता है, प्रोटीन कंटेंट क्वालिटी बनाते हैं, ऑयल कंटेंट बढ़ाते हैं, विटामिन बढ़ाते हैं, रिड्यूस नहीं करते हैं, रिड्यूस नहीं करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट को, ठीक है, वी वॉन्ट रिड्यूस इट। नेक्स्ट, करेक्ट मैच करना है इनकी वैरायटी और ये किससे रेजिस्टेंट है, दोनों चीज़ों को मैच करना है कि किसकी वैरायटी है और किससे रेजिस्टेंट है। तो वीट की वैरायटी होती है हीमगिरी, और वीट की होती है हीमगिरी, और ये किससे होगी, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट से, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ अब, और जो ब्रासिका होगी इसकी होगी प्यूसा गौरव, और ये किससे रेजिस्टेंट होगी, एफिड से। ओकरा की पूसा सवानी होगी, ये किससे रेजिस्टेंट होगी, शूट एंड फ्रूट बोरर से। कॉलीफ्लावर की पूसा शुभ्रा होगी और ये होगी ब्लैक रॉट से रेजिस्टेंट, तो द आंसर विल बी 3। टी आर एन ए कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सा टी आर एन ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई बता सकता है क्या, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा बेटा। 43,
बताइए। वेरी गुड, इसका आंसर होगा बेटा फोर्थ वाला। ठीक है, एक्चुअल में AUC है ना, ये एंटीकोडॉन है ना। AUC क्या है? एंटीकोडॉन है स्टॉप के लिए, तो स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं रहता है। ठीक है, हाँ UGC है ना, वो UAG वगैरह बन जाता है इससे। UAG होगा, UAG तो स्टॉप कोडॉन है, उसका एंटीकोडॉन AUC है। मैच करो ना, नया क्वेश्चन मिला, बढ़िया क्वेश्चन था बेटा वो। 44, 44 को मैच करेंगे हम लोग, 44 को मैच करते हैं। आ जाइए, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ये क्या होते हैं? जीन्स एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, जो जीन को हम आरएनए की तरह एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, 1.4 लोकेशन, जीन लेस देन 2%, क्या लेस देन 2% जीनोम क्या करेगा? प्रोटीन कोड करेगा। और ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर होगा, सो द आंसर विल बी 1 ड्यू टू डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब वो 99 अमीनो एसिड के लिए कोड करता है इंस्टेड ऑफ दी 100, तो कितने न्यूक्लियोटाइड, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स डिलीशन के वजह से ये लॉस हुआ है? इसको उल्टा पूछ लिया बेटा इन्होंने, उल्टा पूछ लिया। देखो, 3 अमीनो एसिड मिलके एक वहां पे प्रोटीन बना रहे, ये एक कोडॉन है, इनमें से एक कम हो गया तो भी नहीं बनेगा, दो कम हो गए तो भी नहीं बनेगा, तीन कम हो गए तो भी नहीं बनेगा, तो आंसर हो जाएगा एनी ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46। प्लाज्मिड क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन दी बैक्टीरिया एंड एंजाइम्स दैट इंटरफेयर विद द डीएनए रेप्लिकेशन। भैया एंटीवायरल प्रोटीन है, दिस इज एंटीवायरल प्रोटीन। प्लाज्मिड अ वैक्टर फॉर कैरिंग लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट, माइलोमा ट्यूमर सेल। तो 46 का आंसर हो जाएगा कि नॉट करेक्टली में तो 2 ही है। सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या डिस्कवर किया? ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी। किसमें से डिस्कवरी करी, किससे डिस्कवर किया? 47, ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन फ्रॉम। बताइए, एक मिनट रुको, 43 का एक्सप्लेन किया तो सही, 43 का एक्सप्लेन कर दिया है मैंने कि AUC इज द एंटी कोडॉन फॉर स्टॉप कोडॉन, तो ये नहीं होता है, tRNA कभी भी स्टॉप कोडॉन नहीं सिंथेसिस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर मीजोजोम, मीजोजोम के लिए इनकरेक्ट कौन सा है? मीजोजोम के लिए इनकरेक्ट कौन सा है बताइए? 48 कौन सा इनकरेक्ट है? मीजोजोम बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ द वेसाइकल ट्यूब्यूल लैमिला, सही। ये रेस्पिरेशन सिक्रीशन इन सब में करते हैं, सही। एंड दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, हाँ ये भी करते हैं। इसका मतलब कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, तीनों चीजें ये तो करेक्ट है, एवरीथिंग इज करेक्ट, तीनों चीजों में मीजोजोम मदद करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ स्पीशीज विच बियर अ क्लोज, कलेक्शन ऑफ स्पीशी विच बियर अ क्लोज रिजेंबल टू वन अनादर इन दी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ दी फ्लोरल पार्ट। स्पीशीज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? स्पीशीज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं बताओ? स्पीशीज के कलेक्शन को बोलते हैं जीनस, क्या बोलेंगे? जीनस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉस प्लांट, मॉस प्लांट का इकोलॉजिकली क्या इम्पोर्टेंस नहीं है? मॉस फूड होता है हर्बेशियस एनिमल के लिए, और ये लोग इकोलॉजी में रहते हैं, इकोसिस्टम में रहते हैं, सही बात है। मॉसेस लाइकेन के साथ पायनियर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहीं भी सक्सेशन होता है, रॉक को कॉलोनाइज करने के लिए वेदरिंग ऑफ रॉक करके सॉइल बनाते हैं, तो इकोलॉजी सक्सेशन में भी जरूरी है। डेंस मैट फॉर्म करते हैं सॉइल पर ताकि जो रेनफॉल हो उससे सॉइल इरोजन ना हो, ये भी सही है, ये सही तो है कि मॉस ऐसा करते हैं, पर इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस नहीं है,
ये इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है कि इससे हमको फायदा हो रहा है, इससे नेचर को क्या ही फायदा हो रहा है बेटा। नेक्स्ट, रीड दी फॉलोइंग टर्म केयरफुली, अच्छे से सारी टर्म्स पढ़ो और बताओ कि कितनी ब्राउन एल्गी से रिलेटेड है। हाउ मैनी टर्म्स आर रिलेटेड विद दी ब्राउन एल्गी, कितनी टर्म ब्राउन एल्गी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें तो बेटा बहुत टाइम लगेगा, इसको तुम +4 ले लो, है ना। 9 टर्म्स रिलेटेड है, कोई बता सकता है क्या कि 9 टर्म्स कौन सी है, 9 टर्म्स कौन सी होगी बताओ, अबाउट दी ब्राउन एल्गी बता दो, चलो टाइम लेके बता दो। ठीक है, कौन कौन सी होगी बताओ, ब्राउन एल्गी से रिलेटेड कौन सी होगी, शुरू कर दो बताना। बिल्कुल, ब्राउन एल्गी में होती है लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। ठीक है, लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टोरिया, तुम कर लो मैच ना। लैमिनेरिया है क्या, फ्यूकस है, डिक्टियोटा है, लैमिनेरिया तो नहीं है। फूड कौन सा स्टोर करती है, फूड कौन सा स्टोर करती है ब्राउन एल्गी, मैनीटोल, लैमिनेरिया, तो मैनीटोल हो गई यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल होती है सेलुलोज और एल्गिन की, ये हो गई एल्गिन। और क्या क्या करती है बेटा, दो अनइक्वल और लेटरल फ्लैजिला बनाती है ना, दो अनइक्वल और लेटरल बनाती है। फ्यूकोजेंथिन किस में होता है, फ्यूकोजेंथिन भी ब्राउन एल्गी में होता है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हो जाएंगी, 9 चीजें बन जाएंगी अपनी ब्राउन एल्गी की। अप्लाइंग दी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विट्टेकर, क्लाइडोमोनास एंड क्लोरेला आर एडेड इन, किस में एडेड है बेटा, 52, 52। वेरी गुड, ये होंगे प्रोटिस्टा में। ठीक है, दे विल बी इन दी प्रोटिस्टा, सही आंसर करो बेटा जल्दी जल्दी, इट इज इन दी प्रोटेस्टा, वेरी गुड। कौन कौन सा होगा, वेल वेरी गुड, एल्गिन, कैराजेन, मैनिटोल, सही है बेटा स्निग्धा, वेरी गुड। कंसिडर दी 4 स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट है, 53 पे आ जाओ, 53 करेक्ट वाले बता दो जल्दी से। डायनोफ्लैजिलेट